हाँ बच्चों, आपने सही सुना। इस बुक में अगर पकड़ बना लें तो आपका मेडिकल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज हम बात करेंगे उन बुक्स की जिसमें अगर पकड़ आ जाए तो मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में सबसे पहले जो है आता है वो बेसिक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको याद होना ही होना चाहिए और एनसीईआरटी को बिल्कुल ऐसे याद करना है, बिल्कुल उसको चट कर जाना है, एकदम एक लाइन भी नहीं छूटना चाहिए। तो एनसीईआरटी आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल आता है कि इसके अलावा जो क्वेश्चंस की बुक है वो कौन सी लें। तो इस बार तो एनटीए वालों ने बहुत ज़्यादा एग्जर्शन रीज़न दिया तो उस वजह से बच्चे बहुत घबरा भी गए थे। तो इसलिए मैं जो बुक रिकमेंड करने जा रही हूँ वो सबसे अच्छी बुक है, इंडिया की टॉप लेवल की बुक है, एस अंसारी की एनसीईआरटी बायोलॉजी बूस्टर। उसके अलावा आप एक और बुक कर सकते हैं, एनसीईआरटी के ही बेस्ड पर है, 35 इयर्स की नीट की। लेकिन आपको 35 ईयर नहीं करना, आपको 2005 या 2006 से आप ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले से और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है नीट के पैटर्न में, नीट के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो आपको ज़रूरत नहीं है 35 ईयर पूरा करने की, पर हाँ ये बुक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज़ मस्ट, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। फिजिकल के लिए वो सफिशिएंट नहीं हो पाता। एनसीईआरटी पढ़ना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको एकदम ही छोड़ दें, उसको पढ़ना तो है। 11th की है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो केमिस्ट्री है, बताइए आपको। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 11th में भी है और 12th की भी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन के लिए जो मैं रिकमेंड करने वाली हूँ वो है एमटीजी की नीट चैम्पियन। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो आप नीट चैम्पियन ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और उसके अलावा 35 ईयर केमिस्ट्री, इसको तो मस्ट है, बिल्कुल आप 35 ईयर की केमिस्ट्री को एक एक क्वेश्चंस को बना लें आप इसके, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा मेडिकल में। उसके बाद जो बात आती है फिजिक्स की, फिजिक्स में भी जो मस्ट है बुक है वो एनसीईआरटी, तो आपके पास होना ही होना चाहिए। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है फिजिक्स की 11th की, उसी तरह 12th की भी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप ये दोनों रखें और इनको पढ़ें। एक्चुअली ऐसा होता है कि फिजिक्स के बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते क्योंकि वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो पता ही है, लेकिन क्वेश्चंस करें, इसमें भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, और जो है वो पढ़ें इसको, बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि बच्चे इग्नोर कर देते हैं फिजिक्स, एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पढ़ना है, एक बार ज़रूर पढ़ना है आपको, अगर टाइम है तो अच्छे से पढ़ें। अगर आप 11th में अभी गए ही हैं बिल्कुल, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप फिज़िक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पे फोकस कर सकते हैं। और जो मैं फिज़िक्स की बुक रिकमेंड करने वाली हूँ क्वेश्चंस के लिए, वो तो एक पहली है ये नीट गाइड है, ये बहुत अच्छी बुक है, एमटीजी पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, नंबर वन बुक है, आप इसको आराम से ले सकते हैं और बना सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बनाइए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, जितना हो सके जो है वो एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरा तो यही कहना है कि आप जो है मल्टीपल बुक ना ले करके जो है वो कुछ बुक को लिमिट कर लीजिए और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को बार बार बनाइए। ये नहीं कि एक बार बना लिया और फिर जो है वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, उस क्वेश्चन को बार बार बनाइए ताकि वो बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए। अगर उसका कोई कॉन्सेप्ट हो तो आपके दिमाग में फिट हो जाए। दूसरी जो बुक है PYQ, जो बनाना ही बनाना है, 35 ईयर की मैं रिकमेंड करूँगी कि नीट की 35 ईयर की PYQ आप बना लें बिल्कुल, और हर एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बनाया फिर छोड़ दिया कि चलो यार ये तो बन गया, इसका तो आंसर ही याद है, नहीं, हर बार बनाइए तो ऐसे बनाइए कि बिल्कुल पहली बार आप बना रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी भी टीचर का नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसी नोट्स पे बिगिनिंग से लेकर एंड तक स्टिक रहिए। ये नहीं कि आज ये नोट्स पढ़ा फिर इसको छोड़ दिया, क्या बार बार पढ़ें, तो नहीं, ऐसा नहीं, उसको जो है वो बार बार पढ़िए, नोट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए नोट्स को। इसके अलावा और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल बुक लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और एक चीज़ और मैं, मतलब मैंने बहुत देखा कि HCV लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो HCV पढ़ने से नीट के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि HCV अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप HCV पे जा रहे हैं तो
आप गलती कर रहे हैं, आप HCV ना पढ़िए। हाँ, आपको शौक है, आपके पास टाइम है, तो आप HCV कर सकते हैं, बना सकते हैं, पर HCV नीट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। HCV थोड़ा सा हाई लेवल की बुक हो जाती है, तो इसलिए मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि HCV पे आप जाएँ। आप इन बुक्स को बिल्कुल पकड़ के रखें, आपका बिल्कुल होना ही होना है मेडिकल में, आपको कोई नहीं रोक सकता मेडिकल की सीट लेने से। आप अगर डेप्थ में जाना चाहते हो, हाँ आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हो सकता है, नीट के एग्जामिनेशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा तो यही सजेशन है कि आप जो है वो इन बुक पे स्टिक रहिए, इन बुक्स को बार बार बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो इसी वजह से मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है इन बुक पे स्टिक रहिए, और बाकी जो है नॉलेज गेन करना है तो आपकी मर्ज़ी है, बहुत आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। बहुत फॉरेन राइटर की बुक है, इंडियन राइटर की बुक है, बहुत सारी बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन निकालना है तो आपको 2-3 बुक्स पे ही जो है वो स्टिक रह करके आप कर सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा जो है वो डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2023, और जम के पढ़ो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो, और जब निकल जाएगा तब मज़े करना, आप बिल्कुल एकदम जम के एकदम रट के पढ़ना है। और उसके बाद मैं जो आज के बुक की क्रेडिट देना चाहूँगी अखलाक सर को, जो कि डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दर्स 40 हैं पटना बिहार में, इनका मोबाइल नंबर दिया है, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और घंटी बजा दीजिएगा। बाय बाय।